हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विंटर की एक ऐसी रेसिपी जो ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर गाजर के हलवे की। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पर ही आसानी से कैसे गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गाजर और 250 ml दूध। साथ ही मैंने लिया है 1 कप चीनी और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम और अखरोट। सबसे पहले यहाँ पे गाजर को मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है, ये देखिए। अब इसको हमें कद्दूकस करना है। कद्दूकस में जो मीडियम साइज के छेद होते हैं उस पर हमें इसे कद्दूकस करना है। और हाँ, थोड़ा संभाल के, क्योंकि कई बार गाजर के साथ साथ हाथ भी कद्दूकस हो जाता है, तो आराम से इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पे सारा गाजर कद्दूकस हो चुका है। अब इसे करना है हमें बॉयल। मैं हलवा बनाने से पहले गाजर को थोड़ा बॉयल कर लेती हूँ जिससे हलवा और अच्छा बनता है। जिसके लिए हम इस कद्दूकस किए हुए गाजर को डालेंगे कुकर में। यहाँ पे मैंने सारा गाजर कुकर में डाल लिया है और साथ ही साथ जो 250 ml दूध था वो भी मैं इसी टाइम डाल दूंगी। दूध में गाजर को बॉयल करने के बाद जो अच्छा सा टेस्ट आता है गाजर में ना, वो कमाल होता है। और अब यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे गाजर पक चुका है और अब हम ढक्कन खोल के देख लेंगे। ये देखिए गाजर कितने अच्छे से दूध के साथ पक गया है। एक बार इसे चला के देख लेते हैं। ये देखिए गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें ये जो उबला हुआ गाजर है इसको एक पैन में डाल देना है और उसमें इसे पकाना है जब तक इसका दूध ना सूख जाए। और हाँ, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि गाजर को हमें भारी तले वाले पैन में पकाना है जिससे कि गाजर जलेगा नहीं और अच्छे से पक जाएगा। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अब हम इस हलवे में 2 चम्मच भर के देसी घी ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन देसी घी डालने से गाजर के हलवे का स्वाद 2 गुना हो जाता है। और घी डालने के बाद इसको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे। हलवे को बीच बीच में हमें चलाते रहना है वरना ये नीचे से चिपक जाएगा। ये देखिए हलवा थोड़ा सूखने लगा है। अब यहाँ पे मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है हलवे में। चीनी डालने के बाद हलवा फिर से थोड़ा गीला हो जाएगा, चीनी पानी छोड़ देगी, तो इसे हमें 8 से 10 मिनट तक या फिर पानी सूखने तक पकाना है। और ये देखिए यहाँ पे हलवे का जो पानी है वो लगभग सूख चुका है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो हलवे में खोया या मावा ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करती हूँ इसमें दूध की फ्रेश मलाई। ये देखिए लगभग 1 कप के आसपास ये मलाई मैंने ली है यहाँ पे। इसको ऐड करने से हलवे का स्वाद कमाल का हो जाता है। मलाई ऐड करने के बाद इसको हलवे में अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए और पकाना है जिससे कि मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए गाजर के साथ। ये देखिए कितना सुंदर और टेस्टी दिख रहा है ये हलवा। और यहाँ पे देखिए हलवा पूरी तरीके से सूख चुका है, ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे चॉप करके, उनको मैं मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। और यहाँ पे एक बार ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हलवे के साथ मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा गाजर का सुंदर और स्वादिष्ट हलवा बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।